सो हेलो गाइस, वेलकम टू द क्रिकेट सुपर फैंस। दोस्तों, आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 से जुड़े एक बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जो कि 30 मई से स्टार्ट हो जाएगा वर्ल्ड कप इंग्लैंड में। लेकिन उससे पहले ही न्यूजीलैंड की टीम को लगा है काफी तगड़ा झटका, जहां उनका जबरदस्त बड़ा खिलाड़ी वर्ल्ड कप 2019 के मैच से बाहर हो गया है इंजरी की वजह से, यानी कि चोटिल होने की वजह से। तो गाइस, क्या है पूरा माजरा, कौन सा खिलाड़ी हुआ बाहर और इसकी जगह पर किस खिलाड़ी को टीम में शामिल किया जाएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी टीम इंडिया के तगड़े वाले फैन हैं, वर्ल्ड कप के फैन हैं, तो कर दीजिए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक। दोस्तों, अगर हम बात करें तो आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 जो कि 30 मई से स्टार्ट हो जाएगा और 14 जुलाई 2019 को खत्म होगा, यानी कि फाइनल का मुकाबला खेला जाएगा 14 जुलाई को। लेकिन उससे पहले खेलने हैं सभी टीमों को वार्म अप मैच, यानी कि प्रैक्टिस मैच, जहां न्यूजीलैंड को अपना पहला प्रैक्टिस मैच खेलना है भारतीय टीम के खिलाफ 25 मई को। तो वहीं उसके बाद न्यूजीलैंड अपना दूसरा और आखिरी वार्म अप मैच, यानी कि प्रैक्टिस मैच, जो कि वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलेगी। लेकिन इससे पहले ही उनके जबरदस्त विकेट कीपर बल्लेबाज टॉम लेथम इंजरी की वजह से वार्म अप मैच से बाहर हो गए हैं और 25 मई को इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच होने वाले प्रैक्टिस मैच में नहीं खेल पाएंगे टॉम लेथम। दोस्तों, चोट काफी गंभीर है, इसी वजह से पूरे प्रैक्टिस मैच से बाहर हो गए हैं, यानी कि वार्म अप मैच से बाहर हो गए टॉम लेथम। तो वहीं इसके बाद जब वर्ल्ड कप 2019 के मेन मैचेस स्टार्ट हो जाएंगे 30 मई से, यानी कि लीग स्टेज में जो मैचेस खेले जाएंगे, जो कि पहला मुकाबला न्यूजीलैंड की टीम खेलेगी श्रीलंका के खिलाफ, उस मैच में भी इनके खेलने के सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि रिपोर्ट्स के हिसाब से टॉम लेथम वर्ल्ड कप 2019 से बाहर नहीं होंगे, क्योंकि वो जल्द ही फिट हो जाएंगे और श्रीलंका के खिलाफ जब ग्रुप स्टेज यानी कि लीग स्टेज में मैच खेलेगी अपना पहला मुकाबला न्यूजीलैंड की टीम, तो उस मुकाबले में सिर्फ सस्पेंस बना रहेगा, लेकिन उस मैच में भी फिट होने के काफी ज्यादा उम्मीद है। हालांकि दोस्तों, जो भी रिपोर्ट, जो भी न्यूज आएगी टॉम लेथम के ऊपर, उसकी वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट सुपर फैंस में मिल जाएगी। क्या न्यूजीलैंड की टीम अपना पहले मुकाबले में टॉम लेथम के साथ उतर पाएगी या फिर नहीं, क्या टॉम लेथम श्रीलंका के खिलाफ खेल पाएंगे 1 जून को। आपको बता दूं कि भारतीय टीम भी वर्ल्ड कप 2019 के मेन मैचों से पहले ही दो वार्म अप, दो प्रैक्टिस मैच खेलेगी, जहां पहला प्रैक्टिस मैच खेला जाएगा इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच 25 मई को। तो इसके बाद भारतीय टीम अपना दूसरा प्रैक्टिस मैच, यानी कि दूसरा वार्म अप मैच 28 मई को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। तो इसके बाद भारतीय टीम वर्ल्ड कप 2019 के मेन मैचों में, यानी कि ग्रुप स्टेज के मैचों में, अपना पहला मुकाबला 5 जून 2019 को खेलेगी साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो गाइस, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार अपने राय जरूर दें और क्रिकेट की हर एक न्यूज एंड अपडेट पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसमें आपको मिलने वाली है हर एक न्यूज सबसे पहले।